दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है, ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल की जेल से चिट्ठियां सामने आने पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने सभी चिट्ठियों को फर्जी बताया है और जांच की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये तमाम पत्र फर्जी हैं, ये तमाम चिट्ठियां फर्जी हैं और इनकी जांच की जाए। जेल से केजरीवाल की जो चिट्ठी आई है उन चिट्ठियों पर सवाल उठाए गए हैं। ये पुलिस कमिश्नर के पास गए थे, कौन सी शिकायत थी? जिस तरह से शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के नाम से पत्र मीडिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं और अपने आका का महिमा मंडन किया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली की बहुत चिंता है, तो उन पत्रों की सत्यता को लेकर कुछ लोगों के मन में संदेह है, क्योंकि जांच एजेंसी भी खंडन कर चुकी है कि हमारे यहाँ से इस तरह का कोई पत्र नहीं निकला है और कानून की जो परिभाषा है उसके हिसाब से भी वहाँ से पत्र निकलना संभव नहीं है, क्योंकि जिसकी कस्टडी में आरोपी या अभियुक्त होता है उस कस्टडी इंचार्ज को अटैच करना पड़ता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हमने पुलिस कमिश्नर से उस पूरे प्रकरण की जाँच की मांग की है, उन पत्रों की जाँच की मांग की है और जिन्होंने ये पत्र पढ़े हैं उनकी भी जाँच की मांग की है कि अगर वो फर्जी हैं और पढ़ने वाले भी फर्जी हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ईडी की जो टीम पहुंची थी केजरीवाल के घर पे अभी हाल फिलहाल में, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना था कि केजरीवाल जेल भले जा रहे हैं लेकिन सरकार वहीं से चलाएंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या उसी का आप प्रोसेस मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से पूरी सरकार चला रहे हैं? मैंने कहा ना कि सरकार तो दिल्ली में काम कर ही नहीं रही थी। अगर दिल्ली में सरकार काम कर रही होती तो इन चार दिनों में अरविंद केजरीवाल को पानी और सीवर की चिंता नहीं होती। अगर दिल्ली में सरकार काम कर रही थी, 8-9 साल में दिल्ली में सिर्फ एक काम हुआ, लूटने का काम। हाँ, वो लूट खसोट अभी बंद हो गई है, इसलिए वो सारा प्रपंच रचा जा रहा है कि कैसे उसको चालू किया जाए। आप मानते हैं कि ये जो लेटर है उसमें कुछ गड़बड़ी है? हमें जो जानकारी है, हमारे हिसाब से वो लेटर भी फर्जी है, आम आदमी पार्टी का चरित्र भी फर्जी।